अभी मैं आप लोगों से चर्चा करेंगे रेडिएशन डोज रिलेशनशिप या सिर्फ डोज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, किसी चीज से रिलेशन होना, ठीक है। जैसे मैं आपका टीचर हूं, ये हम लोग के बीच का रिलेशनशिप है। अनुप आपके फ्रेंड है, ये आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। तो डोज का जो रिलेशनशिप है वो लिविंग बॉडी से है। डोज का रिलेशनशिप किसी मैटर से भी हो सकता है। जब रेडिएशन डोज किसी दीवार पे पड़ती है तो वो उसको पेनिट्रेट करके दूसरे कमरे में जा सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रेडिएशन डोज दीवार पे पड़े और दीवार ही तक रह जाए। रेडिएशन डोज आयोनाइजेशन पैदा कर सकती है कुछ गैसेस में, और एक्सरे प्लेट में आप देखते हैं कि जब रेडिएशन पड़ता है तो वहां भी आयोनाइजेशन होता है, आयन का ब्रेकडाउन होता है, और सबसे बड़ी बात कि यही रेडिएशन बॉडी के सेल में भी आयोनाइजेशन पैदा करता है, ठीक है। अब यहां पर जो संबंध की बात है, रेडिएशन रिलेशनशिप, ये रेडिएशन की जो रिलेशनशिप है ये एक लिविंग बॉडी के लिए है, ठीक है। ऐसे तुलना बहुत सारी चीज में हो सकती है, वो अथा है, लेकिन यहां पर जो प्रोटेक्शन के हिसाब से इसकी जो रिलेशनशिप है हमारे बॉडी के लिए है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि रेडिएशन डोज का इतना लेवल कैटरैक्ट हो सकता है, रेडिएशन से इतना लेवल से स्किन डिजीज होगी, है ना, इतना रेडिएशन जो है वीकनेस पैदा कर सकता है। तो वो हो गया कि रेडिएशन ज्यादा पड़ते पड़ते कम से ज्यादा पर में कितना कितना इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पे जो रेडिएशन डोज के रिलेशनशिप है उसके लिए कुछ मेन मॉडल बनाया गया है, और उस मेन मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन, या एक कह लीजिए एक प्रिडिक्शन, एक हाइपोथेसिस डेवलप किया गया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेडिएशन डोज रिलेशनशिप में क्या लिखाया गया है। रेडिएशन डोज responsible is responsible for causing different type of biological effect, ठीक है। यहां पर लिविंग बॉडी के इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो रेडिएशन डोज जो है बॉडी में अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं, कुछ नुकसानदेह और कुछ बेनिफिशियल, जिसको हम लोग रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं बैड सेल को, कैंसरस सेल को मारने के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट जिसकी अध्ययन की जाए, स्टडी की गई एक ग्राउंड बेसिक लेवल पे, और उसके रिस्पॉन्स और रिलेशनशिप जिसके वजह से रेडिएशन का जो नुकसान होता है ना, रिलेशनशिप टू द रिस्क, उससे जो खतरा है, उससे जो नुकसान है ना, इतने सारे नुकसान है रेडिएशन के, वो सारे का जो है एक लिटरली एक टेक्निक बनाया गया कि कितना डोज से क्या हो सकता और कितने से क्या नहीं हो सकता। इरिडेशन टू सेल, अब एक मोटा मोटी बात है, अब हम हर चीज के बारे में डाटा नहीं लेकर के बैठे हैं, या यहां पे डाटा का चर्चा कर रही नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। ये मॉडल बेस्ड है, लेकिन यहां पे देख लीजिए कि जो रेडिएशन है किसी सेल पे जब पड़ता है ना, बॉडी पे पड़ता है,
तो इस पे बहुत सारे इफेक्ट प्रभाव पड़ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल के प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला कि सेल अगर इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो उसका फंक्शन गड़बड़ा सकता है, ऐसा होता है। और उसका फंक्शन गड़बड़ाने के लिए 100 ग्रे डोज एक रिकमेंडेड डोज है, ठीक है, एक माना गया है, ठीक है, एक रिकमेंडेड डोज है। अब दूसरा जो है प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी जो सेल का है, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेल क्या होता है, प्रोलिफरेटिव नेचर का होता है, जिससे क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के बीच में एक्सचेंज का होना, ठीक है, फूड न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होना, तो ये सारी चीज जो प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी है सेल की, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कम, बहुत नॉमिनल रेडिएशन डोज है। यहां पर 100 ग्रे है तो यहां पर 2 ग्रे ही है, ठीक है। ये एक मोटा मोटी रिलेशनशिप की बात चल रही है। तो टिपिकली रेडिएशन जो है क्या करता है, डैमेज करता है। डैमेज जो करता है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक अर्ली इफेक्ट और एक लेट इफेक्ट। एक को कहते हैं एक्यूट और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्रोनिक इफेक्ट, जिसको एकदम विस्तार से आप पढ़ा है कि एक्यूट इफेक्ट में क्या 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 प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है, क्रोनिक इफेक्ट में भी क्या क्या डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो रेडिएशन के डैमेज को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया, एक जो रिसेंट अभी तुरंत देखने को मिल रहा है और दूसरा उस तरह का जो बाद में मिलता है, ठीक है। यहां पर रेडिएशन डोज के रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मॉडल, यहां पर एक थ्योरी मॉडल के माध्यम से इसको बताया गया है, यहां पर क्या एक मॉडल तैयार किया गया और उसी मॉडल को हम लोग फॉलो करते हैं रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप में, रेडिएशन रिलेशनशिप कह लीजिए, है ना, उसमें हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहला अब हम लोग मॉडल में आए, मेन चीज, ठीक है, जनरल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डिस्क्राइब चेंज इन इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म कॉज डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर। एक मॉडल तैयार किया गया और उस मॉडल के एक नहीं चार मॉडल तैयार किए, जिसमें दो मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, एक को हम लोग LNT मॉडल कहते हैं और एक को हॉर्मिस मॉडल कहते हैं, हॉर्मिस मॉडल, ठीक है। अरे क्लास हो रखा है, डिस्टर्ब। एक हो गया लीनियर नो थ्रेशहोल्ड मॉडल और दूसरा हो गया हॉर्मिस मॉडल। ये दोनों मॉडल रिलेशनशिप को बताता है। चार मॉडल बनाए गए लेकिन उसमें ये दो मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, और इसी को स्टडी भी करना है। सबसे पहला कि डोज, रेडिएशन डोज का जो रिलेशनशिप है, वो रेडिएशन डोज का रिलेशनशिप क्या बताता है, इफेक्ट प्रभाव किसी ऑर्गेनिज्म पर अलग अलग लेवल के एक्सपोजर पर, इतना ग्रे में ये होना चाहिए, इतना ग्रे में इतना, या इतना सीवर्ट में इतना प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ये डिफरेंट लेवल जो रेडिएशन डोज के पड़ते हैं उसका वो जो इफेक्ट पड़ता है अलग अलग, तो इसको पढ़ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए एक मोटा मोटी मॉडल डेवलप किया गया, मॉडल दो डेवलप किया गया, ठीक है, प्रपोज्ड रिस्पॉन्स मॉडल, एक को हम लोग कहेंगे लीनियर नो थ्रेशहोल्ड मॉडल और दूसरा हो गया हॉर्मिस मॉडल। तो थ्रेशहोल्ड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से बिगनिंग होता है, रेडिएशन जीरो है, जीरो से जैसे ही वन पर जाएगा रेडिएशन अब, तो उसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके यहां पर है नो थ्रेशहोल्ड मॉडल। तो थ्रेशहोल्ड मॉडल क्या बताता है कि रेडिएशन का इतना डोज का मतलब है कि अब यह प्रभाव पड़ेगा,
यानी कि इसके नीचे का जो रेडिएशन है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहां पर है लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल, रेडिएशन डोज की कोई सीमा नहीं है, ना कम ना ज्यादा। कम रेडिएशन भी नुकसान पैदा करेगा और ज्यादा रेडिएशन भी नुकसान पैदा करेगा। बोला जाता है ना कि कम रेडिएशन जो है शरीर पर पड़ेगा तो नुकसान नहीं होगा या कम नुकसान होगा, और ज्यादा रेडिएशन पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। और ऐसा भी मानना है कि कम रेडिएशन से कुछ नुकसान ही ना हो, यह भी गलत बात है। यहां पर लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल बताता है, यहां पर कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं है कहीं पर का भी, कितना ही रेडिएशन नुकसान पैदा करता है। देखिए इसको जो है यहां पर दिया गया है, लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल एक कंजर्वेटिव मॉडल की डिजाइनिंग है, एक कंजर्वेटिव मॉडल है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन में इस्तेमाल, ये बहुत कंजर्वेटिव है, फायदे की चीज है। इसको जब समझा गया इस मॉडल को, तो उस अनुसार हम लोग अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करेंगे। सबसे पहला चीज कि हम लोग अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करेंगे कि हम बचा सके, हम अपने बॉडी में उसका एक तो एस्टीमेट हो गया कि इससे इतना हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, तो हम अपने हेल्थ के इफेक्ट, हमारे हेल्थ पर उसका कोई प्रभाव बैड इफेक्ट नहीं पड़े। स्मॉल रेडिएशन डोज, ठीक है, यहां पे बता रहा है कि हमको अब स्मॉल रेडिएशन डोज से भी बचने की जरूरत है, उसका भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। एलएनटी मॉडल के अनुसार है ना, रेडिएशन को हमेशा हार्मफुल मांगा गया है, चाहे वो इतना सा हो चाहे इतना सा हो, कम हो या ज्यादा हो, हर हालत में वो नुकसान पैदा करने वाला है। आईसीआरपी जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार कोई भी लैब चलता है, कोई भी क्लिनिक चलती है, कोई भी हॉस्पिटल का रूल रेगुलेशन को तय करने वाली है ना एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआरपी के अनुसार क्या है। देखिए यहां पर WHO का कोई रोल नहीं है, यहां पर आईसीआरपी रेडियोलॉजी का अलग है, ये कहलाता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी कोरोना आया तो आईसीआरपी कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड होता तो WHO से ज्यादा, सबसे ज्यादा ये आईसीआरपी का ही शोध आपके सामने में आने वाला था। ठीक है, तो आईसीआरपी के अनुसार, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन के अनुसार एलएनटी मॉडल के बारे में इसने जो बोला है उसको मैंने हाईलाइट किया है, और चूंकि ये प्रोमिनेंट है, डोज रिलेशनशिप को जो एक्सेप्ट कर लिया गया हम उसी को मानेंगे। आईसीआरपी ने जिसको एक्सेप्ट किया, जिस मॉडल को एक्सेप्ट किया, उस मॉडल को हम मानेंगे और बाकी मॉडल को हम पढ़ेंगे, जैसे हॉर्मिस मॉडल को पढ़ेंगे, लेकिन हॉर्मिस मॉडल आईसीआरपी उसको फॉलो नहीं करती है। आईसीआरपी किसको फॉलो करती है? लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। ठीक है, लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल क्या है कि रेडिएशन चाहे इतना सा हो चाहे इतना सा हो, हर हालत में वो नुकसान पैदा करने वाला है। यहां पर क्या है कि डोज का जो रिस्पॉन्स होगा वो बेस्ड होता है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है सोच, अज्यूम करना, सोचना है ना, कि लो डोज रेडिएशन या ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा आ जाए, जीरो से ज्यादा हुआ रेडिएशन, जीरो यानी कि नो रेडिएशन, जीरो से जैसे ही बढ़ा तो कैंसर का रिस्क बता रहा है यहां पर, या हेरिटेबल डिजीज, हेरिटेबल यानी कि ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकल इफेक्ट हो सकता है। तो इन ए सिंपल प्रोपोर्शनेट मैनर, इतनी बड़ी चीज को इसने मान लिया आईसीआरपी में, और इसका नो, ये जो है लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल इसी बात को बोल रहा है कि रेडिएशन जीरो से अबव हो गया तो इट मे कॉज कैंसर
या हेरिटेबल डिजीज या जेनेटिक डिजीज उसकी वजह से हो सकता है। हॉर्मेसिस मॉडल, हॉर्मेसिस मॉडल क्या बोलता है, यह बड़ा आपको यूनिक लगेगा। हॉर्मेसिस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताया नहीं गया है। हॉर्मेसिस मॉडल भी एक अध्ययन है, भी एक शोध है, भी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसे कि साइंस हाइपोथेसिस पे भी चलता है, पता है। तो यहां पर जो हॉर्मेसिस मॉडल है ये कुछ यूनिक बात बोलती है। ये क्या बोलती है हॉर्मेसिस मॉडल, कि जो डोज का रिस्पांस होगा, जो रेडिएशन डोज रिस्पांस होता है ना, इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बड़ा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। कहता क्या है, कम रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन के शरीर के लिए लाभदायक है। सोच लीजिए, अगर आपके शरीर पर हल्का हल्का रेडिएशन पड़ेगा तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहिएगा, फिट रहिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक मॉडल तैयार किया गया, हॉर्मेसिस मॉडल, और ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो बोल रहा है कि पूरी दुनिया बोलती है कि रेडिएशन इज हार्मफुल, लेकिन ये बोल रही है कि नहीं, रेडिएशन का हल्का हल्का डोज अगर आपके शरीर पर पड़ता है तो रेडिएशन का आपके बॉडी पर गुड इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या बोलता है इसका हाइपोथेसिस, कि लो डोज, लो एलईटी रेडिएशन एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है रिपेयर मैकेनिज्म को। अगर कहीं पर टियर है कहीं पे बॉडी में, या किसी तरह के नुकसान है, किसी तरह की डिजीज है, उसकी वजह से वहां पर नेक्रोज एरिया है या कुछ गड़बड़ी है, रेडिएशन उसको रिपेयर कर देगा। ठीक है, इस बॉडी रेडिएशन नहीं रिपेयर करेगा, रिपेयर तो बॉडी इटसेल्फ करता है। बॉडी के अंदर ऐसा हिसाब किताब होता है कि जहां पर कट गया फिर वो बॉडी रिपेयर होता है। ये रिपेयर करने की अवस्था को और उत्तेजित कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, एक्टिवेशन मैकेनिज्म, रिपेयर का एक्टिवेशन मैकेनिज्म और तेज कर देगा। ठीक है, अगर हड्डी टूटती है तो दो हड्डी को आमने सामने रख दिया जाता है तो वो क्या होती है, रिपेयर डॉक्टर थोड़ी करता है, डॉक्टर सामने में रख देता है, फिर रिपेयर होती है। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म है हल्के रेडिएशन पड़ने से वो तेज हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, ये कह रहा है। किसी तरह की भी इंजुरी से जो नुकसान होते हैं वो कम रेडिएशन अगर पड़ता है बॉडी पर, तो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म रिपेयर करने के मैकेनिज्म को उत्तेजित करके और तेज कर देता है। इसके कारण हम लोग बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। डेट आर नॉट एक्टिवेटेड इन एब्सेंस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन ना हो तो हमारे शरीर के अंदर के रिपेयर करने के मैकेनिज्म होंगे ही नहीं। ये हॉर्मेसिस मॉडल का कहना है। हर व्यक्ति को रेडिएशन चाहिए, जिसको आप नुकसान करने वाला रेडिएशन बोल रहे हैं वो चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि वो अगर आपके बॉडी में हल्का हल्का पड़ता है रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आपकी बॉडी में एक क्षमता बनती है खुद को रिपेयर करने के लिए। अगर कोई बीमारी हो गया, बॉडी इंजर्ड हुआ, तो बॉडी खुद को रिपेयर करने की मैकेनिज्म तेज हो जाएगी। ये एक विटामिन जैसे काम करता है वैसा ये काम कर रहा है। ये जैसे बोलता है ना कि ओ कोरोना हो गया तो इम्यूनो बूस्टर खाओ, तो ये क्या है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म का बूस्टर बता रहा है, ये रिपेयर करने का बूस्टर बता रहा है। आगे देखिए, लो डोज का मतलब है कि एडिशनल स्मॉल डोज कंपेयर टू नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन, नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन से जो लो डोज है, मींस एडिशनल स्मॉल डोज, हल्का सा स्मॉल डोज, अगर हम लोग बैकग्राउंड रेडिएशन से बात करें, जैसे मेरे घर के बाहर खिड़की है, मेरे घर की दीवार है, दीवार से भी तो रेडिएशन निकल रहा होगा, तो 10 μ सीवर्ट एवरेज डेली डोज
फ्रॉम नेचुरल बैकग्राउंड, हम लोग को नेचुरल बैकग्राउंड से इतना रेडिएशन प्रतिदिन मिलता है। कोई बोल दे कि मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचा हुआ हूं, पैदाइश से लेकर के बुढ़ापा तक आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसको एकदम खौफ की नजर से लोग देखता है, वो चलते फिरते हमारे बॉडी पे पड़ता है। वो रेडिएशन अलग अलग फॉर्म में सूरज के किरण से भी आ रहा है, हमारे बॉडी पे पड़ रहा है। तो एक हाइपोथेसिस उस पर डेवलप कर दी गई कि हमारे बॉडी पे आ रहा है, वो पड़ना जरूरी है, जैसे धूप का पड़ना जरूरी है विटामिन ई के लिए, है ना, उसी तरह रिपेयर मैकेनिज्म के लिए हमारे बॉडी पर रेडिएशन, लो रेडिएशन डोज का पड़ना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। रेडिएशन हॉर्मेसिस हाइपोस्थेसिस परपोज दैट रेडिएशन एक्सपोजर कंपेरेबल टू जस्ट अबव नेचुरल बैकग्राउंड लेवल ऑफ रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल बट बेनिफिशियल। बोल रहा है कि भगवान ने जो रेडिएशन हमारे को दिया नेचुरल बैकग्राउंड में, उसके अलावा थोड़ा सा ज्यादा रेडिएशन डोज पड़ भी जाता है तो उसका नुकसान नहीं, उसका बेनिफिट है, है ना। तो हम हल्का सा रेडिएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो हमारे बॉडी पे नुकसान नहीं किया जाए, लेकिन इसको आईसीआरपी ने नहीं माना, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, प्रूफ्ड नहीं है, लेकिन ये सही हो सकता है। इसलिए कि मैंने बताया ना कि रेडिएशन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, रेडिएशन तो लाइट भी है, आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग, तो हम लोग दुश्मन किसको मानते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन को, जबकि वो दोस्त हो सकता है, कम मात्रा में दोस्त हो। जैसे कि बोलते हैं कि आग, आग हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, आग में कुछ जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, आग में हाथ जल जाएगा, नुकसान होगा, बाल जल सकता है, लेकिन आग जो हीट देती है वो जाड़ा में काम आने लगता है, उससे बॉडी को गर्मी मिलती है, मानने वाली बात है। तो किसी चीज का भी लो डोज काम करता है हमारे बॉडी में, ये चूके एक एपोस्थेसिस है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सका, इसलिए ये थ्योरी में एक मॉडल के रूप में बना के डाल दी गई, चिपका दी गई, लेकिन ये सही हो सकता है। आज हमारा इक्विपमेंट या उसको प्रूफ करने का कोई ये अध्ययन नहीं हुआ किसी के बॉडी पर, तो ये अभी नहीं, लेकिन ये जिस दिन अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर इसको मानना स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे आते लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल, क्या बता रही थी, एकदम बिगनिंग में लिखा हुआ था इसके बारे में कि रेडिएशन डोज जीरो से ऊपर कितना हो जाए, है ना, वन से लेके कितना रेडिएशन सब नुकसानदायक, कोई फायदा नहीं करता, कोई नुकसान नहीं फायदा करता। तो लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल क्या बोलता है कि इसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, कोई भी रेडिएशन नुकसान करेगा। तो यहां पर एलएनटी मॉडल आज जो है प्रोटेक्शन सिस्टम बेस्ड है, एलएनटी हाइपोथेसिस को मान करके हम चलते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, एप्रन पहनते हैं, ठीक है, रेडिएशन से बचते हैं, ये मान के चलते हैं कि लो डोज भी नुकसान करेगा मेरे लिए, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं हॉर्मेसिस मॉडल को एलएनटी मॉडल से, हॉर्मेसिस बोल रहा है कि कम रेडिएशन नुकसान नहीं करेगा फायदा, एलएनटी मॉडल बोल रहे नहीं कम रेडिएशन भी नुकसान करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस आएगा। दैट देयर इज नो थ्रेशोल्ड पॉइंट एंड रिस्क इंक्रीज लीनियर विथ डोज, यह तो मैंने बताया ही, ये एलएनटी का कहना है। एलएनटी मॉडल इंप्लाइज दैट देयर इज नो सेफ डोज, एलएनटी मॉडल क्या बोलती है कि कोई भी सेफ डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन का हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं। अब आगे आते हैं तो, और ये इसी को माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को माना जा रहा है एलएनटी मॉडल को, ठीक है। इफ दिस लीनियर मॉडल इज करेक्ट, अगर ये लीनियर मॉडल करेक्ट है
तो नेचुरल बैकग्राउंड जो है, जो नेचुरल बैकग्राउंड में हम रोड पे निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए इधर उधर, ठीक है, तो जो रेडिएशन हमें मिलता है सूरज से, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन इज मोस्ट हैजर्डस सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का ये सबसे खतरनाक रेडिएशन सोर्स है जो कि पब्लिक को लगातार डैमेज कर रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय मेडिकल इमेजिंग एज क्लोज सेकंड। और इसी को फॉलो करते हुए फिर मेडिकल इमेजिंग में आते हैं, ये और ज्यादा उससे करीब है और उसको और ज्यादा खतरनाक माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रेडिएशन जिसको नहीं लग रहा उसको बच रहा है, रेडिएशन तो में हम डूबे हुए, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट लो डोज इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कोरिलेट एनी इरिटेशन विद सर्टन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लो डोज है ना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इसको हम कोरिलेट कर ले किसी बायोलॉजिकल इफेक्ट से, ठीक है। कैसे करेंगे, अब हम लोग रोज निकल रहे हैं तो मेरे बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है, रेडिएशन से हुआ, या हो सकता है मेरे बॉडी का मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग कर दिया हो, इस पता नहीं चल पाता। इसीलिए हम लोग मानते हैं बेसलाइन कैंसर का कैंसर रेट जो है आज के डेट में हाई है। आज के डेट में क्या है, बेसलाइन कैंसर रेट इज वेरी हाई एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, और डेवलपिंग कैंसर का रिस्क 40% बढ़ चुका है। इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, और साथ में लो लेवल रेडिएशन, जो कम लेवल का रेडिएशन है वो भी शामिल है, ये माना जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी जो है ICRP है, ये LNT मॉडल को ही मानती है ना, और वो अलग है। हार्मोसिस को नहीं मानती, बिकॉज इट इज द मोर साइंटिफिकली कन्विंसिंग, ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, साइंटिफिक साइंस के हिसाब से ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कौन, LNT मॉडल, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया। और हार्मोसिस मॉडल इन लोग को इतना साइंटिफिक नहीं लगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर किया गया, ठीक है, यही बात है। तो ये हुआ रिलेशनशिप रेडिएशन, ये हुआ रिलेशनशिप रेडिएशन, ओके।